उत्तर प्रदेश में आज भी है एक ऐसा गांव जहां पर बिजली के पोल गड़े हैं, ट्रांसफार्मर भी रखा है, हर घर में मीटर भी लगे हैं, लेकिन यहां पर दो वर्षों से कभी भी बिजली के दर्शन तक नहीं हुए। आपको बता दें, मामला सोनभद्र जनपद के ग्राम पतगड़ी विकास खंड 54 का है, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर ट्रांसफार्मर भी लगा है और बिजली के पोल भी गड़े हैं और तार भी खींचे हुए हैं, हर घर में मीटर लगा है, लेकिन यहां पर कभी बिजली के दर्शन नहीं होते हैं और इस सरकार की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। देखिए इस रिपोर्ट को। इस वक्त गांव के लोग, महिलाएं, बुजुर्ग लोग इकट्ठे हुए हैं। यहां दो साल से बिजली के तार, ट्रांसफार्मर और मीटर लगा हुआ, लेकिन बिजली अब तक इस गांव में नहीं आई है। इस गांव में अब तक बिजली नहीं आई है, बाकी और गांव में आ गए। सबसे बड़ी बात है, इस गांव के प्रधान भी कभी इस गांव में इन लोगों को जानना नहीं आया, इनकी समस्याओं को पूछने नहीं आया कि क्या मामला है, क्यों लाइट अब तक नहीं आई है। कभी वो प्रशासन अधिकारियों से नहीं पूछे। ये महिलाएं सब खड़ी हैं और महिलाएं सब अपनी समस्या को लेकर खड़ी हैं और सब जानना चाह रही हैं कि हमारे गांव में लाइट कब आए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था हर घर को लाइट और बिजली मिलेगा, लेकिन यहां सोनभद्र के बिजली विभाग की गलतियों से इनके गांव तक बिजली लाइट नहीं आ रहे। पर आप लोग आदिवासी महिलाएं हैं, इसी गांव के रहने वाली हैं, क्या आप लोग के घर में मीटर लगा है? मीटर लगा है सर। क्या नाम है आपका? मान कुमार। किस गांव की रहने वाली है? पटगड़ी। आप सभी के घर में मीटर लगा है, ये लाइट कब से, कितने साल से खंभे लगे हैं? दो साल हो गए, अब तक लाइट नहीं आई है। चाचा जी, जो मीटर लगा है, क्या नाम है आपका? हरिप्रसाद जी। ये मीटर आपको कितने साल से लगा है? दो साल हो गया है, अब तक लाइट नहीं आई। नहीं। सिर्फ 100 पीस बना है बस। ऐसे इस गांव में सभी जगह लगा है मीटर, हर जगह लगा है, लेकिन लाइट नहीं है। ये जो बिजली के तार लगे हुए हैं, क्या आप लोग के घर में लाइन है? कितने सालों से तार गड़े हुए हैं? दो साल से ये तार गड़े हुए है, अब तक लाइन नहीं है। मीटर लगा है? मीटर लगा है, लेकिन लाइन नहीं है। मीटर भी लगा है? ये ट्रांसफार्मर 2 साल से गड़ा है, यहाँ बिजली के तार भी लगे हुए हैं 2 साल से, हर घर में मीटर लगा है, लेकिन लाइन बिजली इस गांव में नहीं है। हर घर में लाइन बिजली पानी देने का वादा किया गया है, इस गांव में फेल है। इस वक्त मैं यहाँ गांव में खड़ा हूँ, इस गांव डाला के सोनभद्र डाला से 10 किलोमीटर के अंदर एक गांव है, ये कोटा गांव कहते हैं, पतगड़ी गांव है। इस गांव में लाइन तो तारें तो खींचे हैं, कुछ नहीं है तार खींचे, लेकिन इस गांव वाले ने कभी बिजली नहीं देखा है यहाँ गांव में जलते हुए। बिजली का देखेंगे जब साल भर से, दो साल से यहाँ तार बिछा हुआ है, अब तक यहाँ बिजली नहीं आई है। मैं अब जानना चाह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं थी हर घर में बिजली पानी होगा, तो क्यों नहीं इस गांव में बिजली पानी अब तक पहुंचा? पानी के लिए तो मोहताज है ही, बिजली अब तक नहीं आई इस गांव में। क्या नाम है आपका? हिरमनिया। किस गांव के रहने वाली हैं? पतगड़ी। आपके घर में मीटर लगा है बिजली का? हाँ। लाइट आती है? नहीं। लाइट नहीं आती है? नहीं। मीटर कितने साल से लगा है? दो साल हो गया मीटर, लाइट नहीं आती है। आप लोग उस मीटर का क्या किए, मतलब जब लाइट ही नहीं आती है तो क्या करेंगे? मैं आपके गांव में आया हूं, इस गांव में ये जानकारी करने चाह रहा हूं कि ये जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, जो तार लगे हुए हैं, और आप बता रहे कि हमारे हर घर में मीटर लगा हुआ है, क्या
आपके गांव में बिजली आ रही है? क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद सर। किस गांव के रहने वाले आप? पतगड़ी से सर। यहां के प्रधान का क्या नाम है? पवन। पवन, ये कितने सालों से खंबे लगे हैं? ये तो 2 साल हो गए सर। 2 साल। तार भी लगे हैं? तार भी लगे हैं सर, मीटर भी लगे हैं। मीटर भी लगे हैं, लेकिन बिजली नहीं आ रही है। बिजली नहीं आ रही सर। 100 पीस बना? जी 100 पीस, यहीं जस्ट बगल में बिजली जल रही है। क्या आप लोग ने किसी सरकार के आला अधिकारी को आपने अवगत कराया? जी सर, मैं विधायक जी को व्हाट्सएप के जरिए अवगत कराया, लेकिन वो बोले कि जल्दी से जल्द समाधान हो जाएगा। होगा, अब तक नहीं हो रहा। चाचा जी, आपका क्या नाम है? हरि प्रसाद। किस गाँव के रहने वाले? पतगड़ी के। आप तो बहुत बुजुर्ग है, ये लाइट जब लगी है तो आपको तो बड़ा खुशी हुआ होगा कि लाइट हमारे गांव में आ रहा है। ये कितने साल हो गए लाइट लगते? 2 साल। 2 साल हो गए, अब तक लाइट नहीं जली? नहीं 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 जला। मीटर भी लगा घर घर मीटर भी लगा। आप लोग को बड़ी उम्मीद थी कि लाइट आए हैं, बच्चे पढ़ेंगे। खाली आश्वासन दे देकर के, मतलब 1 महीना 2 महीना के आश्वासन देकर 2 साल बीत गया। सोनभद्र से मनोज सिंह राणा।